नास्कॉम की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष भारत में 30 लाख से ज्यादा युवा ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 35% जो युवा हैं वो इम्प्लॉयबल होते हैं। इम्प्लॉयबल का मतलब सिर्फ 35% ऐसे युवा हैं जो उस नौकरी के लायक हैं। इसके अलावा 20% ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो अपनी नौकरी से खुश नहीं हैं। जबकि मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि भारत में 800 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, 39,000 से ज्यादा कॉलेजेस हैं, जिनमें कैपेसिटी 2 करोड़ स्टूडेंट्स को प्रतिवर्ष पढ़ाने की क्षमता है। इसके अलावा वर्ल्ड का तीसरा लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम भारत में है। इतना सब कुछ पोटेंशियल भारत में होने के बाद भी ज्यादातर जो सुसाइड होते हैं उनका एक सबसे मुख्य कारण कैरियर या फिर उनका जॉब है। मतलब वो या तो अपने कैरियर में सही रास्ता नहीं चुन पाते हैं या फिर वो किसी जॉब की प्रिपरेशन के लिए सही रास्ता नहीं चुन पाते हैं, जिस वजह से वो असफल हो जाते हैं, सुसाइड जैसे रास्ते को वो अपना लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं उनके जीवन में इसका एक मुख्य कारण उनको सही तरीके से करियर गाइडेंस नहीं देना होता है या फिर उनको ऐसी सलाह नहीं दी जाती है कि कौन सी जॉब की वो प्रिपरेशन करें। किसी भी एग्जाम्स की वो प्रिपरेशन करते रहते हैं जिसमें उनको असफलता मिलती है और जिस वजह से वो ऐसे रास्ते को अपना लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कैसा कौन सा करियर है, चाहे आप बात करें 10th के बाद या फिर 12th के बाद या फिर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके मन में डाउट है कि कौन से एग्जाम की मैं प्रिपरेशन करूं जिसमें मुझे जॉब का ज्यादा स्कोप हो या फिर मुझे नौकरी लग जाए, वो नौकरी सरकारी भी हो सकती है या फिर प्राइवेट भी। इसके साथ में कैरियर से संबंधित पूरे डाउट्स आप सभी के क्लियर करूंगा। यहाँ पर मैं आप सभी को हर तरह के जो बच्चे होते हैं, चाहे वो बात करें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं या फिर ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं या फिर एवरेज बच्चे होते हैं, सारे बच्चों के लिए बहुत यूजफुल जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। तो लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का हमारे साईं बाबा इन्फोटेक चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सही करियर या फिर जॉब के लिए आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, इसके चुनाव करने के लिए सबसे पहले आपको सही डायरेक्शन की जरूरत होती है। क्योंकि अगर आप सही रास्ते का चुनाव नहीं करेंगे तो हो सकता है या तो आपको जॉब ही ना मिले या फिर अगर आपको जॉब मिल भी जाती है तो आप अपने जॉब से कभी खुश नहीं रहेंगे। लेकिन अब बात ये आती है कि अब ये जाने कैसे कि हमारे लिए कौन सा करियर सही है या फिर ऐसी कौन सी जॉब है जिसकी प्रिपरेशन में ज्यादा स्कोप रहेगा, कौन सी ऐसी जॉब हमारे लिए बेस्ट रहेगी, ये सब बात हम कैसे जाने। तो इसके लिए आप सभी को मैं यहाँ पर एक मूल मंत्र बताना चाहूंगा कि इसके लिए सबसे पहले आप अपने अंदर देखें कि आपके अंदर ऐसी कौन सी यूनिक स्ट्रेंथ है जो यूनिक स्ट्रेंथ आपको सबसे अलग बनाती है। ध्यान रखें, हर व्यक्ति में कोई ना कोई एक यूनिक स्ट्रेंथ होती है, कोई ना कोई एक यूनिक क्वालिटी होती है जो आपको भीड़ में अलग बनाती है। तो सबसे पहले आपको अपनी यूनिक स्ट्रेंथ फाइंड करना होगा। ये यूनिक स्ट्रेंथ कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं ये यूनिक स्ट्रेंथ आपकी पढ़ाई से रिलेटेड ही हो। हो सकता है आपको गाना गाना पसंद हो, आपको डांस करना पसंद हो। अब आपको यहाँ पर ये लग सकता है कि यार गाना तो बहुत लोग गाते हैं तो उसमें यूनिक वाली बात क्या हुई। यहाँ पर मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि यूनिक इसमें है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गाना को भी अलग अलग तरीके से गाया जा सकता है। कुछ रैपर होते हैं, कुछ सॉफ्ट म्यूजिक वाले होते हैं और कुछ पॉप म्यूजिक गाते हैं। मतलब सभी की यहाँ पर यूनिक वॉइस होती है, अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है। तो सबसे पहले आपको अपनी यूनिक स्ट्रेंथ फाइंड करना होगा। आप सभी को ये ध्यान रखना है कि स्ट्रांग, स्ट्रांगर, स्ट्रांगेस्ट जरूर होता है, लेकिन यूनिक, यूनिकर, यूनिकेस्ट ये नहीं होता है। मतलब यूनिक सिर्फ एक ही होता है। मतलब अगर आपके अंदर वो यूनिक क्वालिटी है तो वो यूनिक क्वालिटी आपको सबसे अलग बनाती है और उस फील्ड में आपका कोई भी कंपटीशन नहीं है। क्योंकि हो सकता है जो यूनिक क्वालिटी आपके अंदर है दूसरे के अंदर वो यूनिक क्वालिटी ना हो, या फिर जो उसके पास क्वालिटी है वो उसको अलग बनाती है और आपके अंदर जो क्वालिटी है वो आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। तो सबसे पहले आपको अपनी यूनिक स्ट्रेंथ को फाइंड करना होगा और आपको अपने उसी यूनिक स्ट्रेंथ के लिए काम करना होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम अपने से ही सच नहीं बोल पाते हैं। ये एक बहुत बड़ा सच है कि हम दूसरों से तो झूठ बोलते ही हैं, अपने आप को भी हम झूठी तसल्ली देते हैं। इसी वजह से हम सही दिशा का चुनाव नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने आप से सच बोलना होगा। आपको यहाँ पर कोई भी चीज नहीं छुपाना है, अपने आप से सच बोलना है। अगर आप अपने आप से सच नहीं बोलेंगे तो आप कभी भी सही दिशा का चुनाव नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले आप अपने आप से सच बोलें और जो आप काम नहीं कर सकते हैं उसको नो बोलना सीखें। जैसे कि आप सभी को 3 इडियट्स मूवी का एक सीन याद होगा जिसमें वो अपने पापा से जाकर बोलता है कि मुझे ये जॉब नहीं करना है क्योंकि अगर मैं उसमें जॉब में जाता हूँ तो मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा और मैं अपने आप को कोसूंगा, इससे बेहतर है कि मैं अपने मन का काम करूं। तो सेम उसी तरीके से आपको सबसे पहले नो बोलना सीखना होगा, क्योंकि जीवन में
ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं जिसमें पेरेंट्स या फिर बड़े भाई बहन या फिर परिवार का ऐसा दबाव बनाया जाता है कि आप ये सब्जेक्ट ले लें या फिर आप इस एग्जाम की तैयारी करें, तो इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है, इसमें आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। जबकि आपका मन किसी और चीज में है, आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन दबाव बनाने की वजह से या फिर आपके पास भी आइडिया नहीं होता है कि आगे मैं क्या करूं, इसलिए जो भी वो लोग बोलते हैं वो आप कर लेते हैं और बाद में आप अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको अपने आप से सच बोलना होगा, आपकी जो यूनिक स्ट्रेंथ है उसको आइडेंटिफाई करना होगा, और इसके अलावा आप जो काम नहीं कर सकते हैं सिंपली उसके लिए आपको मना करना सीखना होगा। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा। आप अपने स्क्रीन पर बहुत बड़े इटैलिक इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो पेरेटो को देख रहे हैं। इन्होंने 80-20 का कॉन्सेप्ट लाया था। 80-20 का मतलब, इनके अनुसार विश्व में जितनी भी चीजें हैं वो 80-20 के कॉन्सेप्ट में काम करती है। पूरे विश्व में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन उस पॉपुलेशन में सिर्फ 20% ऐसे लोग हैं जो ज्यादा धनी हैं, और वो 20% धनी लोग 80% लोगों से पैसा कमाते हैं, और लेकिन जो धनवान है वो सिर्फ 20% है। इसी तरीके से पढ़ाई में अगर देखा जाए तो कोचिंग सारे बच्चे लगाते हैं, जो कोचिंग की कमाई होती है वो 80% लोगों से होती है, लेकिन जो सिलेक्शन होता है वो सिर्फ 20% लोगों का होता है। तो इससे आपको एक सीख मिलती है कि सबसे पहले जिस भी चीज में आप फोकस करें उसके लिए आपके पास लेजर शार्प फोकस होना चाहिए। लेजर शार्प फोकस का मतलब, आप जिस भी चीज के लिए डिसाइड करें सिर्फ एक ही चीज पर आप अपना फोकस बनाए रखें, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता होगा कि लेजर शार्प फोकस इतना स्ट्रांग होता है कि वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट डायमंड में भी वो छेद कर सकता है। सेम उसी तरीके से सबसे पहले आपको किसी एक कॉन्सेप्ट के पीछे जाना होगा। अगर आप किसी सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपके मन में चल रहा है कि मैं SSC की भी प्रिपरेशन करना चाहता हूं, MPPSC की भी प्रिपरेशन करना चाहता हूं, या फिर किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता हूं, किसी का भी एग्जाम आएगा उस भर्ती के लिए मैं पढ़ाई करूंगा और उसका एग्जाम दे दूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपके मन में एक से अधिक एग्जाम की प्रिपरेशन की तैयारी चल रही है और जिसकी भी भर्ती आएगी आप उसके लिए एग्जाम देते जाएंगे, तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, क्योंकि आपका फोकस एक में है ही नहीं, आपका दिमाग अलग अलग एग्जाम में भाग रहा है। सेम उसी तरीके से अगर आपको करियर चुनना है तो आपको लग रहा है मैं यहाँ पर इंजीनियरिंग भी कर लूँ, इसके अलावा कुछ और कोर्सेज भी कर लूँ, तो उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। आपको सबसे पहले ये तय करना होगा कि आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं, जब आपका जो फ्यूचर होगा वो किस तरीके से होगा, आपकी जो फ्यूचर की लाइफ स्टाइल रहेगी वो किस तरीके से रहेगी, उसको सोचते हुए आप अपने करियर का चुनाव करें कि आपको उस चीज को अचीव करने के लिए किस रास्ते पर चलकर वहां तक पहुंचना होगा, ऐसी क्या चीज है जो आपको वहां तक पहुंचा सकती है। तो उसके लिए सबसे पहले आप करियर का चुनाव करें और किसी एक लक्ष्य के पीछे आप अपनी पूरी ताकत लगा दें। ध्यान रखें, अगर आपका फोकस लेजर शार्प फोकस की तरह है तो आप इस दुनिया की हर चीज को हासिल कर सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपके लिए मुश्किल हो। इसके अलावा आपको ये भी जानना जरूरी है कि किसी को देखकर आप इन्फ्लुएंस ना हो, कि सामने वाला अगर वो चीज कर रहा है, जैसे कि बहुत ऐसी बातें होती हैं कि 10th के बाद जैसे आपका जो फ्रेंड सर्कल है अगर वो मैथ्स ले रहा है या फिर 12th के बाद किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहा है, तो आपके मन में ये लगता है कि चलिए हमारे दोस्त उसमें एडमिशन ले रहे हैं तो हम भी साथ में रहेंगे, तो वही कोर्स में हम भी एडमिशन ले लेते हैं, या फिर जो हमारे पेरेंट्स होते हैं या फिर फैमिली रिलेटिव होते हैं तो वो हमको एडवाइस करते हैं कि आप ये कोर्स कर लीजिए, तो हम उनका सुनकर या फिर इन्फ्लुएंस होकर वो कोर्स को करने लगते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि आपने अपने आप को पहचाना ही नहीं कि आप क्या हैं, आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। इसलिए सबसे पहले आप अपने इंटरेस्ट को जानें कि आपका इंटरेस्ट किस में है, उसके आधार पर चुनाव करें कि आपको कौन सा विषय लेना है, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर किस कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना है। आप अपने आप को कुछ खाली समय दें जिसमें आप पूरी तरीके से ठंडे दिमाग से सोचें कि ऐसी क्या चीजें हैं जो आपके अंदर आपको यूनिक बनाती हैं, और ऐसा कौन सा फील्ड है जिसमें आप बहुत बेस्ट करेंगे। ध्यान रखें, अगर आप अपने इंटरेस्ट का काम करेंगे तो उसमें स्कोप ही स्कोप है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि अगर मैं ये फील्ड में जाता हूँ तो उसमें स्कोप होगा या फिर नहीं। तो आप विश्वास करिए, अगर कोई भी काम आपके इंटरेस्ट का है, मतलब आपके रुचि का है, जिसमें आपका मन लगता है, तो वो काम में स्कोप ही स्कोप है, और इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप सक्सेसफुल होंगे। ध्यान रखिए, अगर सचिन तेंदुलकर को बोला जाता कि वो हॉकी प्लेयर बन जाए, या फिर मैरी कॉम को कहा जाता कि वो क्रिकेट प्लेयर बन जाए, या फिर कोई और जॉब करते, तो आज भी उनको जितनी प्रसिद्धि मिली हुई है, जितने सक्सेसफुल वो आज हैं, वो कभी भी नहीं हो पाते। इसलिए सबसे पहले आप अपने अंदर का यूनिक स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करें। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हैं, या कोई बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर आप
कोई ट्रेनिंग करना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं, कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना होगा, अपने इंटरेस्ट को पहचानना होगा। उस इंटरेस्ट को पहचानने के बाद आप उसके पीछे लग जाइए, आपको 100% सफलता मिलेगी। चलिए अब मैं आपको ऐसी चीज बताता हूँ जिसमें से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपके अंदर ऐसी कौन सी स्किल है या फिर आपके अंदर ऐसा कौन सा पोटेंशियल है जिसकी वजह से आप आगे बहुत ग्रोथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पर एक टेबल देख रहे हैं। यहाँ पर जो पहला टेबल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन पावर का है, दूसरा कंपटीशन का है और तीसरा सक्सेस परसेंट का रेशियो है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को वीडियो शुरुआत में बताया था कि व्यक्ति अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, कुछ ऑर्डिनरी होते हैं और कुछ स्पेशल होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं पहले टेबल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे आते हैं। तो अब ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी में आते हैं या फिर नहीं? तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो शुरुआत में बताया था कि सबसे पहले तो आप अपने आप से सच बोलना सीखें। अगर आप अपने आप से सच नहीं बोलेंगे तो इस पूरे वीडियो का कोई भी फायदा आपको नहीं होगा। और अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं या फिर आप कॉलेज में पढ़ते हैं या फिर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने आसपास जो और बच्चे हैं उनको आइडेंटिफाई करें। मतलब उनके अंदर ये देखें कि उनके अंदर कितनी पोटेंशियल है। अगर कोई टॉपिक है या फिर कोई चैप्टर है तो उसको पढ़ने में, उसको याद करने में उनको कितना समय लगता है और सेम चीज करने के लिए आपको कितना समय लगता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप आईआईटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी जानते हैं कि आईआईटी एग्जाम के लिए प्रतिवर्ष लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन उसमें से सिलेक्शन सिर्फ कुछ ही बच्चों का होना है। लेकिन जब आप उसकी प्रिपरेशन करते हैं, जब आप कोचिंग लगाते हैं, तो कभी कोई भी बच्चा ऐसा सोच के नहीं लगाता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। सभी बच्चे यही सोचते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा और उसी के आधार पर वो कोचिंग ज्वाइन करते हैं। लेकिन आज जैसे कि आप सभी को पता है कि उन लाखों बच्चों में सिलेक्शन सिर्फ कुछ ही बच्चों का होना है, तो फिर लाखों बच्चे उस कोचिंग में क्यों जाते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि आप उस एग्जाम के लिए बने हैं या फिर नहीं। क्योंकि ध्यान रखें, अगर आप आईआईटी एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो जिस तरीके से आप अपने स्कूल के टॉपर हो सकते हैं, उसी तरीके से पूरे भारत में अलग अलग स्कूल के जितने भी टॉपर हैं वो सारे इस एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, इस एग्जाम में बैठेंगे, तो आपका जो कंपटीशन होगा वो बहुत ज्यादा हाई होगा। तो यहाँ पर आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चों में आते हैं या फिर नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर कोई भी चैप्टर है या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने में या फिर लर्न करने में आपको ज्यादा समय लगता है और आपके जो साथ में दोस्त है उसको बहुत ही कम समय लगता है, तो यहाँ पर आप ये समझ जाएं कि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चों में आते हैं या फिर नहीं। ध्यान रखें, एक्स्ट्राऑर्डिनरी में सिर्फ बहुत ही कम 10% भी व्यक्ति आते हैं और जिनका कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होता है। अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल है, अगर आपको लगता है कि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चों में आते हैं, तो बिल्कुल आप सारे एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। मतलब जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया, अगर आप आईआईटी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करिए, जहां पर सक्सेस का जो रेशियो है वो सिर्फ 10% है। 10% क्यों? क्योंकि वहां पर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा। वहां पर कंपटीशन कुछ इस तरीके से रहेगा कि वहां पर फरारी गाड़ी का एक कंपटीशन चल रहा है और वहां पर आप 800 ऑल्टो लेकर आ गए। मतलब 800 ऑल्टो कार लेकर आप फरारी कार की रेस में पहुंच गए हैं और आप चाहते हैं कि वो रेस आप जीत लें। लेकिन सब कोई जानते हैं कि फरारी कार की रेस में ऑल्टो 800 वाला रेस कभी नहीं जीतेगा, क्योंकि उसके इंजन में वो पावर है ही नहीं। इसलिए सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके इंजन में, मतलब आपका जो ब्रेन पावर है वो कैसा है। अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं तो बिल्कुल आप हाई कंपटीशन वाली फील्ड में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप उस एग्जाम के लिए नहीं बने हैं, आपसे ज्यादा आपके जो फ्रेंड्स हैं वो ज्यादा कैपेबल हैं और आप उनका कंपटीशन नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये निगेटिव माइंडसेट नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये कोई निगेटिव माइंडसेट नहीं है। यहाँ पर आप अपने आप से सच बोल रहे हैं, क्योंकि आप ऐसा सच बोल के उस असफलता से बचने के लिए आप पहले ही प्रिकॉशन ले रहे हैं। इसलिए आप सभी ध्यान रखें कि ऐसे बच्चे जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं वो ही हाई कंपटीशन के लिए जाएं, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा कंपटीशन होगा और सक्सेस रेट सिर्फ 10% का है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड टाइप के स्टूडेंट्स की। यहाँ पर ऑर्डिनरी बच्चे आते हैं। ऑर्डिनरी का मतलब एवरेज टाइप के बच्चे आते हैं, जिनकी संख्या यहाँ पर 90% है। मतलब यहाँ पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी का 10% निकाल लिया जाए तो लगभग जो बाकी बचे 90% वो इस कैटेगरी में आते हैं, जिनके लिए भी कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है और सक्सेस का जो रेशियो है वो मात्र 2% है। मात्र 2%, इसलिए क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर किसी हाईली कंपटीशन वाली फील्ड में आप उतर जाते हैं, मतलब उसकी प्रिपरेशन आप करते हैं, जबकि आप ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स में आते हैं, आपके अंदर वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाली क्वालिटी नहीं है,
तो आप किसी दबाव में या फिर बिना प्लानिंग के उस एग्जाम की प्रिपरेशन करने लगते हैं जो कि हाईली कॉम्पिटेटिव फील्ड है, उसमें सक्सेस की गारंटी सिर्फ 2% है। वो भी 2% तब है जब आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे, क्योंकि 99% लोगों का इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं होता है, आप सभी जानते हैं, उनको कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पर लगाना होता है। अगर आपके अंदर ये काबिलियत है कि आप किसी एग्जाम में फोकस कर सकते हैं, अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा सकते हैं, वो भी बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, अगर आपका पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पर है, आप अपने दिमाग को इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप एस्ट्रॉन्डनी के लिस्ट में आते हैं और आप हाईली कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका माइंड एक जगह रुकता नहीं है, आप अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो आपको ऐसे एग्जाम से बचना चाहिए जहां पर बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब आप कोई भी गेम खेलते हैं तो वहां पर कॉन्सेंट्रेशन पावर की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली आपका कॉन्सेंट्रेशन वहां पर हो जाता है और आप पूरा इंटरेस्ट लेकर वो गेम को खेलते हैं। तो ऐसा क्यों संभव होता है? क्योंकि आपका गेम में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट होने की वजह से वहां पर आपको कॉन्सेंट्रेशन पावर की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन जब आप पढ़ाई करते हैं तो वहां पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपको वहां पर कॉन्सेंट्रेशन करने की जरूरत होती है। इसलिए यहां पर आप समझें, अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत हाई है, अगर आप अपने मन पर कंट्रोल कर सकते हैं और पूरा फोकस करके आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल हाईली कॉम्पिटेटिव फील्ड में जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं है, तो फिर आपको इस फील्ड में जाकर अपने पैसे और समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो अब आपके लिए क्या सोल्यूशन है? यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपको ऐसे फील्ड पर जाना चाहिए जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन पावर की जरूरत ही ना पड़े, और वो तभी पॉसिबल है जब आपका उस पर इंटरेस्ट रहेगा। तो आप ऐसी फील्ड का चुनाव करें जहाँ पर आपका इंटरेस्ट है। ध्यान रखें, आपके अंदर कोई भी टैलेंट हो सकता है, और ये जो टैलेंट आता है वो कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करके आता है। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो आप उस टैलेंट का आप जितने बार प्रैक्टिस करेंगे, वो टैलेंट आपका उतना ही ज्यादा इनहेंस होगा, उतना ही ज्यादा इम्प्रूव होगा, और वहाँ पर सक्सेस की गारंटी 10% से लेकर 100% तक है। क्योंकि आपका जो टैलेंट है तो उसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर यहाँ पर मान लिया जाए कि यहाँ पर सक्सेस की गारंटी 10% है, तो यहाँ पर जो ऊपर की हाईली जो कॉम्पिटेटिव फील्ड है उसके 10% से तो काफी अच्छा है, क्योंकि वहां पर कॉम्पिटिशन ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, बिना कॉम्पिटिशन के आपकी जो सक्सेस की गारंटी है वो लगभग उतनी ही है। इसके बाद सबसे लास्ट में कैटेगरी आती है ऑर्डिनरी की, जिसमें लो कंपटीशन रहता है, या फिर कहें स्मार्ट वर्क करने वाले लोग इस कैटेगरी में आते हैं, जिनकी सक्सेस की गारंटी 10% से लेकर 100% तक होती है। उनके अंदर ऐसी कोई स्किल होती है जिस स्किल की वजह से वो 100% सक्सेसफुल हो सकते हैं, और वो स्मार्ट वर्क करके हाईली कॉम्पिटेटिव फील्ड वाले जो बच्चे होते हैं उनसे भी आगे जा सकते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए भारत सरकार के द्वारा स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया या फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ऐसी बहुत सारी स्कीम चलाई जा रही है जिसमें उनको ट्रेनिंग दी जाती है, वर्कशॉप दिया जाता है, जिसके थ्रू उनकी जो स्किल है उसको इम्प्रूव किया जाता है। और ये सारी फैसिलिटीज हम आपको निशुल्क प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें आपको सिखाने के साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है, और उसके अलावा आपको इसके सर्टिफिकेट्स भी दिए जाते हैं, जहां पर आपको गूगल से लेकर गवर्नमेंट के जितने प्रोग्राम हैं उन सभी के सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं, जिसका यूज आप फ्यूचर में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कर सकते हैं। अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो सिंपली यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम और सारी डिटेल्स कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, या फिर जो हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं उस कोर्स की सारी जानकारी आप व्हाट्सएप पर ले सकते हैं। इसके साथ में आप करियर काउंसलिंग या फिर स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के लिए नीचे यहाँ पर सोशल मीडिया की साइट्स की लिंक दी गई है, उस पे जाकर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनको लगता है कि हमारे अंदर कोई भी यूनिक क्वालिटी नहीं है, या फिर हमारा इंटरेस्ट किसी भी चीज पर नहीं है। तो ऐसे बच्चे कौन से कैरियर का चुनाव करें जिससे उनको फ्यूचर में सक्सेस मिले? तो चलिए आप सभी के लिए यहाँ पर एक जीनियस टेस्ट कराते हैं, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि फ्यूचर में आपके लिए कौन सी ऐसी बेस्ट फील्ड रहेगी जिसमें बहुत ही ज्यादा स्कोप रहेगा और सक्सेस होने की गारंटी बहुत ही ज्यादा होगी। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर जीनियस टेस्ट के क्वेश्चन दे सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिया जाएगा। पहले ऑप्शन के लिए आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, सेकंड ऑप्शन के लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, और थर्ड ऑप्शन के लिए आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। ये सारे पॉइंट्स को, जो भी आपको पॉइंट मिलते जाएंगे, उसको आपको नोट डाउन करते जाना है, और लास्ट में आपने जितने पॉइंट्स अर्न किए हैं उसको आपको टोटल करना होगा। टोटल करने के बाद आपका जितना स्कोर होता है उसके हिसाब से मैं आपको कैरियर के बारे में जानकारी दूंगा। इसके साथ में यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहूंगा कि यहाँ पर पहले ऑप्शन के लिए 0 मार्क दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि अगर आप इस ऑप्शन का चयन करते हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। इसका जवाब आपको वीडियो क्लास में पता चल जाएगा, तो सीरियस होके इस सारे क्वेश्चन का आप आंसर करें। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि आपके दोस्त आपके बारे में क्या कहते हैं, कि आप क्रिएटिव माइंड के हैं या फिर आपका नेचर
फ्रेंडली नेचर है या फिर आप स्मार्ट हैं। तो जो भी आपके फ्रेंड्स की राय आपके बारे में है तो यहाँ पर आप देख लें, उसके आधार पर आप अपने पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कोई एक ऑप्शन का चयन करना होगा। पहला ऑप्शन है हार्ड वर्क, सेकंड ऑप्शन है वर्क फास्ट और थर्ड ऑप्शन है स्मार्ट वर्क। यहाँ पर आप एक ऑप्शन का चयन कर लें, जो भी पॉइंट आ रहा है उसको आप नोट डाउन करते जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको तीन ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन का चयन करना होगा। पहला ऑप्शन है आर्ट का, सेकंड ऑप्शन है मैथ या फिर साइंस, थर्ड ऑप्शन है हिस्ट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको कौन सी फिल्म की शैली सबसे ज्यादा पसंद है। यहाँ पर जो पहली मूवी है एक्शन, हॉरर या फिर एडवेंचर टाइप की आपको मूवी पसंद है। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है कॉमेडी, इंस्पिरेशनल या फिर रोमांस, थर्ड ऑप्शन है पॉलिटिकल, हिस्ट्री या फिर डॉक्यूमेंट्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको किन तीन गतिविधियों में सबसे ज्यादा आपको आनंद आता है, मतलब सबसे ज्यादा आप इंजॉय करते हैं। एक्सरसाइज यहाँ पर पहला ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है मूवीज या फिर म्यूजिक, थर्ड ऑप्शन है रीडिंग। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप किस सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहाँ पर आपको एक सिचुएशन बताया गया है, पहले ऑप्शन में एक सिचुएशन दी गई है जिसके अनुसार एक छोटा सा ग्रुप है, जिस छोटे से ग्रुप में लवली डिस्कशन चल रहा है आप उस ग्रुप में शामिल होना चाहेंगे, या फिर यहाँ पर सेकंड ऑप्शन दिया गया है कि एक बड़ा सा ग्रुप है जिसमें सभी लोग आपस में बातचीत करके हंस रहे हैं, यहाँ पर तीसरा एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, सारे लोग मिलकर एक गेम खेल रहे हैं। तो आप किस ग्रुप में शामिल होना चाहेंगे, किसी एक ऑप्शन का चयन कर लें। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ऑप्शन का चयन आपको करना होगा। पहला ऑप्शन है चुस्ती या फिर कहें फुर्ती का, दूसरा ऑप्शन है शक्ति मतलब स्ट्रेंथ का, तीसरा ऑप्शन है निपुणता का या फिर कहें स्किल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पहले किस समस्या का समाधान करेंगे, इकोनॉमी से रिलेटेड पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है हेल्थ से रिलेटेड या फिर थर्ड ऑप्शन एजुकेशन से रिलेटेड। इसके बाद बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, अब आप इनमें से कौन हो, एक्सट्रोवर्ट जिसका मतलब बहिर्मुखी होता है, इसके बाद सेकंड ऑप्शन इंट्रोवर्ट इसका मतलब अंतर्मुखी होता है, इसके बाद तीसरा ऑप्शन मिक्स्ड मतलब आप दोनों तरह का आपका नेचर है, तीन में से आप कौन है इसका एक ऑप्शन यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी सोचने की जो शैली है वो किस तरह की है, क्विक थिंकर की है पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है क्रिएटिव थिंकिंग की, थर्ड ऑप्शन है लॉजिकल थिंकिंग की। अब आपने यहाँ पर जितने क्वेश्चन दिए गए उन सारे क्वेश्चन के जितने पॉइंट्स आपने स्कोर कर लिए हैं, सारे पॉइंट्स को आप यहाँ पर टोटल कर लें। टोटल करने के बाद अगर आपका स्कोर 0 से लेकर 50 तक आता है तो आपकी जो भूमिका रहेगी वो गाइडर की रहेगी, आपका जो नेचर है उसका विश्लेषण यहाँ पर आप दे सकते हैं। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं, जैसा आपका नेचर है उसके हिसाब से बेस्ट जॉब आपके लिए यहाँ पर रिकमेंड किया जाता है। जैसे यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट हो गया, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट हो गया, पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट हो गए, टीचर, गाइडेंस काउंसलर, सोशल वर्कर, बारटेंडर, नर्स, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, थेरेपिस्ट, पुलिस ऑफिसर। यहाँ पर कुछ जॉब्स के ऑप्शन आपके इंटरेस्ट के हिसाब से बताए गए हैं, इससे रिलेटेड जितने भी फील्ड होते हैं आप उस फील्ड में जा सकते हैं। अगर आप उस फील्ड में जाते हैं तो बहुत ही अच्छा आप काम फ्यूचर में करेंगे। इसके अलावा अगर आपने 50 से लेकर 100 तक का स्कोर किया है इसका मतलब आपके अंदर एक आर्टिस्ट का गुण है, और आर्टिस्ट के हिसाब से यहाँ पर आप आर्टिस्ट बन सकते हैं, हेयर स्टाइलिस्ट बन सकते हैं, शेफ हो गए, ग्राफिक डिजाइनर, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, आर्किटेक्ट, फैशन डिजाइनर, फोटोग्राफर, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, एक्टर या फिर एक्ट्रेस, मल्टीमीडिया प्रोग्रामर, राइटर या एडिटर की जॉब आप प्रिफर कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगर आपका स्कोर 100 से लेकर 150 तक है तो आपके अंदर लीडर की क्वालिटी है, यहाँ पर आप जॉब दे सकते हैं प्रेसिडेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर, जज, मैकेनिकल इंजीनियर, लॉयर, प्रिंसिपल, एंटरप्रेन्योर, अकाउंटेंट या फिर एडवाइजर की जॉब आप प्रिफर कर सकते हैं। इसके अलावा आपका स्कोर 150 से लेकर 200 तक का आया है इसका मतलब आपके अंदर साइंटिस्ट के गुण है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके लिए साइंटिस्ट, एयरक्राफ्ट मैकेनिक, वेटरिनेरियन, डॉक्टर, पायलट, बायोमेडिकल इंजीनियर, हिस्टोरियन, एस्ट्रोनॉट, कंप्यूटर प्रोग्रामर, फार्मेसी मैनेजर, इस जॉब को आप प्रेफर कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए मैंने कोशिश की है कि आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी कॉलेज में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर आप कॉन्टेक्ट करके अपने लिए बेस्ट ऑप्शन या फिर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इससे हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने का एक मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।